आने वाले समय में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आएंगे तो राजस्थान में झुंझुनू जिले से आएंगे। हमारे ब्लॉक की टीम जिले लेवल जीतते में मेरी ओर से 21,000 रुपये दूंगा और अगर राजस्थान लेवल पे कोई हमारी ब्लॉक की टीम जीती है तो मेरी ओर से 51,000 रुपये दूंगा। कई जगह अपन देखने को मिला कि रातों रात खेल मैदान तैयार कर दिया। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं RJ TV 24। RJ TV 24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा, इसमें आज हमारे साथ हैं अलसीसर पंचायत के प्रधान गासीराम जी पूनिया। ये किसी नाम के पहचान के मोहताज नहीं है। आज इनसे इनकी पंचायत से जुड़े हुए सवाल जानेंगे और इन्होंने राजनीति में कदम कैसे रखा उससे जुड़े हुए सवाल भी पूछेंगे। नमस्कार सर, आपका RJ TV 24 पर स्वागत है जी। सर मैं 95 से जब से पंचायत राज बना, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद मेंबर, तो 95 से मैं पहली बार मेरे को स्वर्गीय रामलाल चौधरी ने टिकट दी कांग्रेस पार्टी से और मैं जीत गया। उससे पहले मेरे परिवार कोई राजनीति में नहीं था और 95 से 2000 तक मैं पंचायत समिति सदस्य रहा। फिर महिला सीट आई, महिला सीट आने के बाद मैंने वो उसमें चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद में 2005 में फिर मैं पंचायत समिति सीट बढ़ा और 1500 वोटों से जीता, सबसे ज़्यादा वोटों से जीता झुंझुनू ज़िले में। उसके बाद में प्रधान के चुनाव में जो अभी MP है नरेंद्र जी, उनके सामने मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, उसमें नरेंद्र जी विजयी हो गए, वो प्रधान रहे 5 साल। फिर 2010 में फिर चुनाव आए तो फिर मेरी जो लादू सरकार पंचायत है वो महिला सीट थी, वहाँ से मेरी मिसेज ने को चुनाव लड़ रहा जी। वो फिर वहाँ से सामने MP साहब नरेंद्र जी की मिसेज ने चुनाव लड़ा मेरी मिसेज के सामने, उसको और आके हम 2010 में 6/10/6/13 से प्रधान बने। मैं उस टाइम जिला परिषद का चुनाव लड़ा और मैं 4000 वोटों से जिला परिषद का चुनाव जीता और मेरी मिसेज 10/15 तक प्रधान थी, मैं जिला परिषद मेंबर। फिर 2015 में फिर मैं पंचायत समिति सदस्य बना। हमारी जो मेरा जो ब्लॉक था वो AC था, इसलिए मैंने लूणा और मेरी का ब्लॉक था वहाँ से चुनाव लड़ा, वहाँ से आज तक कांग्रेस नहीं जीती, वहाँ से मैं चुनाव जीता। उसके बाद में अब 2020 में हमारे जो ब्लॉक था वो महिला OBC थी, तो मैंने मेरी मिसेज ने वहाँ से चुनाव लड़ा। हमारे विधायक जी ने कहा कि भाई साहब की बार महिला है, आप भी चुनाव लड़ो, तो मैं मेरे को नांद से और शास्त्री ब्लॉक से टिकट दी, यहाँ से मेरी मिसेज ने, हम दोनों जीते। मैं वहाँ 700 वोटों जीता है, यहाँ से मेरी मिसेज 300 वोटों जीती जी। अभी आप प्रेजेंट में प्रधान हो। हाँ सर, प्रधान की बात करें तो आपके पंचायत में लगभग 32 ग्राम पंचायतें आती हैं, तो यहाँ पे विकास कार्यों की बात करें तो शिक्षा को लेकर कैसा बढ़ावा दिया जा रहा है आप प्रधान होने के नाते? सर यहाँ हमारी विधायक है रीटा जी ने, उसका भी बहुत शिक्षा पे जोर है, उन्होंने मंडाव IIT खुलवाई है, अपने गांव एकमसरे महिला कॉलेज खुलवाई है, हमारे यहाँ अलसिस में महिला कॉलेज खुलवाई है, कृषि कॉलेज खुलवाई है मंडाव में, और यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पशु उनके लिए वो कॉलेज खुली है, तो उनका भी यार। अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जितने भी 100 सीनियर स्कूल थी सेकेंडरी थी उनको सबको सीनियर कर दिया, और उनमें अभी करीब 3-4 महीने पहले एनुअल फंक्शन थे स्कूलों के, उसमें मैं करीब स्कूल में वहाँ गया जहाँ पे किसी स्कूल में रिपेयरिंग की जरूरत थी, वहाँ रिपेयरिंग के पैसे दिए, कहीं टीन शेड, कहीं पे कोई सड़क है, करीब स्कूल में हमने में पंचायत समिति से दिए हैं और हमारी विधायक जी भी दे रही है। हर स्कूलों में हमारी मंडावा विधानसभा में और हमारे ब्लॉक में कोई भी स्कूल में कोई पोस्ट खाली नहीं है, और शिक्षा के प्रति बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारी पंचायत समिति में, हमारी विधानसभा में जी। एक चीज़ जानना चाहता हूँ शिक्षा से जुड़ा हुआ, कि शिक्षा के साथ में युवाओं को आजकल खेल की तरफ भी रुझान आने लगे हैं, जिसके तहत अभी मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम भी शुरुआत की थी राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की,
तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या वो सच में बढ़िया है, वो धरातल पे काम करेगी या फिर सही नहीं? सर वो बहुत बढ़िया स्कीम है, बढ़िया नहीं बहुत अच्छी स्कीम है जी। इसमें क्या है कि अभी 12 तारीख को हमारे यहीं स्टेडियम में उनका उद्घाटन हुआ था, विधायक जी भी आए थे, मैं भी था। वो 15 तक गेम चले, मैं 15 तक वहाँ पूरे दिन रहता था। इससे क्या है कि एक तो ये लड़कियाँ वगैरह पहले यूँ शर्माते थे कबड्डी खेलना, कुश्ती करना, खो खेलना, तो लड़कियों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। अपने पास में ही हरियाणा है, वहाँ के गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं कुश्ती में और खेलों में। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान से, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आएंगे तो राजस्थान में झुंझुनू जिले से आएंगे। हमारा जिला बहुत ही शिक्षा में एडवांस है, तो इस खेल प्रतियोगिता भी बहुत अच्छी प्रतियोगिता एकदम शांति से हुई। सभी ने फाइनल में जो टीमें गई वो करीब 150 बच्चे करीब थे, उनको सबको मैंने मेरी तरफ से टी शर्ट दिए। और हमारे एडीएम साहब 30 तारीख को रिटायरमेंट हो रहे हैं, उन्होंने घोषणा की कि जिले लेवल पर हमारे ब्लॉक की कोई भी टीम जीतेगी तो मैं 11,000 रुपये मेरी ओर से दूंगा। मैंने घोषणा की कि कोई भी हमारे ब्लॉक की टीम जिले लेवल जीतते हुए मेरी ओर से 21,000 रुपये दूंगा। और अगर राजस्थान लेवल पे कोई हमारे ब्लॉक की टीम जीती है तो मेरी ओर से 51,000 रुपये दूंगा जी। ये आपके निजी कोष से दी? मेरे निजी कोष से जी। ये टी शर्ट भी मैंने मेरे निजी कोष से दी, वो 21,000 रुपये मेरे निजी कोष से, ये जो 51,000 घोषणा हुई मेरे निजी कोष से। और भी हमने सारी व्यवस्था में, जो बजट तो कम था लेकिन वो सारी व्यवस्था। प्रधान जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब ये घोषणा हुई थी राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की, तो कई जगह अपन देखने को मिला कि रातों रात खेल मैदान तैयार कर दिए गए, ये हकीकत में हुआ ये आपको भी पता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब अगली बार जब ये टूर्नामेंट हो तो पहले से इस चीज़ की तैयारी की जाए धरातल पे, इसको लेकर आपके भी क्या प्रयास है? नहीं हमारे प्रयास है, हमें पहले ही तय कर दिया था कि हर पंचायत में होंगे। उन सरपंचों को हमने सभी को पहले से ही कह दिया भी अपने अपनी पंचायत में खेल मैदान है उनको विकसित करो, कोई भी वहाँ सफाई वगैरह है, कईयों में वो ट्रैक नहीं बने थे, वो है जो भी है वो हमने पहले से तैयारी कर रखा था। उसके बाद में हमने, हमें यहाँ वो बहुत बड़ा स्टेडियम है रोड पे ही महाराणा प्रताप जो मैं मानता हूँ मंडावा विधानसभा सबसे बढ़िया और अच्छे लोकेशन पर स्टेडियम है। हमारे विधायक ने उस पर 20,00,000 रुपये अपने कोष से देने की भी घोषणा की 12 तारीख को, और हमने भी हमारे कोष से जो भी अभी उसमें लेट बात है बच्चों के लिए लड़कों के लिए वो बनाने की घोषणा की है। 3 शेड है जो भी करने का, मतलब अगली बार हम पूर्ण तैयारी के साथ में उसमें करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे जो PTI वगैरह थे उनने भी बहुत ही बढ़िया तैयारी की और एकदम शांतिपूर्ण बहुत अच्छे खेल हुए और खेल खेल की भावना से खेले गए और बहुत ही अच्छा। ये प्रधान जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पंचायत समिति है शिक्षा के साथ जरूरी होता है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपकी पंचायत समिति है, इसमें जैसे PHC CHC ये कैसे हैं? हमारे अभी मलशिश्र में पहले PHC थी, अभी विधायक जी ने CHC खुलाई है। पहले हमारे मलशिश्र में CHC थी, अब यहाँ भी खुलाई है, सोलासर में भी CHC खुलाई है। PHC उप स्वास्थ्य केंद्र, वो उप स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा हमारे ब्लॉक जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र PHC CHC खूब है, डॉक्टरों की भी पूरी व्यवस्था है। अभी विधायक जी ने करीब 30 डॉक्टर लगवाए हैं हमारे इस मंडा विधानसभा में, कहीं कोई डॉक्टरों की कमी नहीं है, कोई नर्सेज की कमी नहीं है और पूरा स्टाफ टाइम पे आता है। वहाँ ये अपने डिप्टी CMHO है, उसको हमने कह रखा भाई आप चेक करोगे, CMHO साहब भी चेक। मैंने कई गाँवों में देखा था आपके ग्राम पंचायतों में, मतलब जो CHC और PHC है ना वो मतलब बहुत शानदार बने हुए हैं, मैंने भी देखा कई गांव में, मतलब मैं 2-4 गांव में जैसे पंचायतों में गया हूँ वहाँ पे देखा तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले समय उन लोगों को और सुविधाएं मिले। और चीज़ इससे जुड़ा हुआ मैं एक सवाल और जानता कि अभी हाल ही में एक लंपी महामारी चल रही है जिन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी है, इसको लेकर आपके क्या प्रयास हैं कि गायों को बचाया जाए? एक मिनट बीच में मोड़ा चाहता हूँ। स्वास्थ्य के मामले में हमारे ज़िले में राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये लंप है, अभी भी 250
के करीब वापस दूसरे बाड़मेर जिसमें लगाई है, तो वो उनकी कमी नहीं है। हर जगह डॉक्टरों की एनएम की जनिक पूरी व्यवस्था है। ये जो लंपियाड़ा चला है गायों का, इसके लिए हमारे विधायक जी ने दवाएं भेजी हैं। हमने हर पंचायत में वो दवाएं वितरण की हैं। वहाँ के हर सरपंच को जिम्मेदारी दी है कि कोई भी पशु बीमार है तो उनको ये दवाएँ दे, और ये खुले में कोई भी गाय वगैरह वगैरह खुले में नहीं, सर सरपंचों को रखा है कि उसको जेसीबी से खाई खुदवा रखे, उसमें ला के डालें, उस पर नमक डाल के मिट्टी डालें ताकि वो खुले में नहीं रहे, और उस पर हमारी पूरी नज़र है और हमारे कंट्रोल में भी है। आपको बता दें जी, आपकी पंचायत समिति में विधायक जी के कोटे से और सांसद महोदय कोटे से कितना काम है? हमारे पंचायत समिति में मेरे प्रधान बनने के बाद में करीब 2.5 करोड़ रुपए हमारे कोटे से दिए हैं। विधायक जी ने भी अपना पूरा कोटा दे रहे हैं। हम विधायक जी हम मिलके देते हैं, वो जहाँ कहती है वहाँ हम देते हैं, मैं कहता हूँ वहाँ वो देती है, वो कोई नहीं है। एमपी कोटे से हमारे अभी तक नाम मात्र का ही बजट आया है, कोई नहीं है। बाकी विधायक कोटे से, हमारे कोटे से सब जगह दे रहे हैं। सारे सरपंचों को जो समस्याएं बताते हैं गांव में, काफ़ी ग्रेवल सड़क बन रही है नरेगा से, और अभी हमारे विधायक जी 25 सड़कें ग्रामीण पास करा लाए, उनके टेंडर हो जाएंगे अगले महीने में। अभी 2 बड़ी सड़कें, एक ये धनोरी से, सड़क के वाला मैं सवाल पूछने वाला ही था आपको। हाँ, तो वो सड़कें 10 करोड़ की सड़क ये भी है मेरे गाँव के अंदर से, वो एक यहाँ से मर्सी से टमकोर वहाँ सीमा तक दी है कि 18 करोड़, जो अंतिम छोर है मंडावा का। हाँ, 18 करोड़ की सड़कें दी है, 2 बड़ी सड़कें दी हैं। अभी ये जो हमारे हैं राजगढ़ से झुंझुनू, इसके टेंडर हो गए हैं, सर्वे हो रहा, काम चालू हो रहा है, ठेकेदार आ रहा है। कल ही देखा था शायद, कल की घोषणा है, कल या परसों की। हाँ, उसके लिए ठेकेदार ने जगह भी ले लिया है, अपने मशीनरी वगैरह और है, ये काम भी जल्दी चालू हो जाएगा। कहने का मतलब विकास के मामले में हमारा विधानसभा 7 विधानसभा सबसे आगे है जी, और हमारी विधायक पूर्णतया सक्रिय अपने विधानसभा क्षेत्र विकास के कार्यों के लिए जी। प्रधान जी, एक सवाल और आखिरी, कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत समिति के लोगों को और खास करके युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि युवा है वो आने वाला भविष्य है, उसको लेकर। देखो, युवाओं के लिए अब सब नौकरी तो जो है वो है, लेकिन हमने विधायक जी ने गांव में बढ़िया वो सरपंच से ट्रैक बनवा के दिए हैं, ओपन जिम भी दी है ताकि उसमें वर्जिश वगैरह करें और करें, और युवा जो मिलिट्री वगैरह के लिए अपने भाग दौड़ के लिए, झुंझुनू जिला इसके लिए खास तौर से जाना जाता है। हाँ, तो युवा है वो काफ़ी कंपटीशन भी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी तो अब आपको पता ही है कि नौकरियाँ सरकारी नौकरी बहुत है, लेकिन फिर भी प्राइवेट जो देख रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अलसीसर पंचायत समिति से प्रधान काशीराम जी पूनिया, जिन्होंने युवाओं को लेकर एक प्रोत्साहित करने के लिए गांव के गांव गांव में पंचायत पंचायत में ट्रैक बना रहे हैं, ग्राउंड बनवा रहे हैं, और ख़ास करके सड़क कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी इन्होंने जो बताया कि अभी बजट काफ़ी चीज़ों में पास करवाया है, कुछ चीज़ों में पहले से है, और शिक्षा को लेकर इन्होंने पहले से बताया, और झुंझुनू जिला वैसे भी शिक्षा के अंदर आगे है। और भी कोई आपके नज़र में कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।